हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आइए फैक्टोरियल्स पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूरी तरह से फैक्टोरियल्स को इन्वॉल्व कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर यहाँ 100 फैक्टोरियल है और फिर अंडर रूट के अंदर 100 फैक्टोरियल है और फिर उसी रूट में वापस से एक और रूट दिया हुआ है और 100 फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में वही सारी चीजें 99 फैक्टोरियल के साथ हैं और यहां पर 8th रूट दिया हुआ है 10^4 का। यानी इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, यानी कुछ ऐसा जो कि आपको मालूम ही होगा। बट यहां क्वेश्चन क्या है कि आपको एक्स की वैल्यू या वैल्यूज फाइंड करनी है। कैसे करें जबकि हमें पूरा एक्सप्रेशन जो है वो इक्वल दिया हुआ है? क्या बिगनिंग रहेगी? अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वरना आइए मिलकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखें तो हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग ही एक तरीका रहेगा क्योंकि तभी तो हम दोनों साइड से रूट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स के बजाय सिर्फ स्क्वायरिंग लिख दिया है। अब इससे होगा क्या, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे यहां पर देखिए, यहां पे भी स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर होने से यहां पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और इधर यहां पहला रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो 8th रूट है ये 4th रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूं कि ये जो स्क्वायर है ये पहले वाले रूट को रिमूव कर देगा, ये जो 2 है ये इस पहले वाले रूट को रिमूव कर देगा और ये जो 8th पावर है यहां रेज टू पावर 1/8 8th रूट है जो वो जो है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर 1/4 रह जाएगा और धीरे धीरे हमारे को x तक पहुंचना होगा। अब देखिए यहां इसको मत भूल जाइएगा, इसका भी स्क्वायर होगा 100 स्क्वायर। अब उधर से रूट कैंसिल हुआ तो ये हो गया 100 फैक्टोरियल, सिर्फ एक 100 फैक्टोरियल अंदर नीचे रह गया। यहां नीचे 99 फैक्टोरियल आ गया और यहां 99 इधर आ गया। और अब आप ध्यान से देखें यहां ये 1/4 जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं ये हो गया 10^x^2। अक्सर ये गलती हो जाती है, हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम सिर्फ यहां देखने लग जाते हैं, इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसका भी स्क्वायर। तो यहां 10^4 हो गया, 100 को लिखा यानी 100 फैक्टोरियल को लिखा 100 × 99 और नीचे 99 फैक्टोरियल ये भी कैंसिल हो गया। अब चीजें आसान दिख रही हैं और यहां 10^x^1/2 ऐसा दिख रहा है। तो यहां इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया 10^6। स्क्वायरिंग के लिए हम तैयार हैं वापस से। और अब मुझे बताएं जब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग अगेन तीसरी बार यहां कर रहे हैं हम ऐसा, तो ये हो जाएगा 10^6 का स्क्वायर यानी 10^12। इधर हमारे पास 100 फैक्टोरियल फ्री हो गया, नीचे 99 फैक्टोरियल फ्री हो गया और अब यहां जो ये पावर है 1/2 ये भी फ्री हो गई। यानी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत पास पहुंच चुके हैं, ये हैबिट बन चुकी है। 100 × 99 फैक्टोरियल, नीचे 99 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया, दिस इज 10^x। यहां पर आ गया 10^14 और दूसरी तरफ है 10^x। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स को रखते हैं, अननोन्स को राइट हैंड साइड पे रखते हैं और कंपेयर करने पर x की वैल्यू आ गई है 14। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक लॉजिक लगाते हुए सॉल्व कर लिया। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी तरह से जैसे आप फायदा उठा रहे हैं इस चैनल का, उठाते रहिए, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको इस चैनल के बारे में बताइए कि यहां सिर्फ प्योर पढ़ाई होती है। तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सीधा आप तक नोटिफिकेशन आए। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।